हेलो, गुड इवनिंग. हेलो जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग. मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी, व्हाट्स लैंग्वेज आर यू ऑल मोर कंफर्टेबल इन, इंग्लिश और हिंदी? हिंदी में ठीक रहेगा हिंदी में ठीक प्लीज। रहेगा? हाँ, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. पहले तो ये बताना चाहूंगी कि जिस लोगों को मुझे मेरे बारे में नहीं पता, तो मैं इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ कि मैं डॉक्टर मनवीर भाटिया हूँ. मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट और एक स्लीप स्पेशलिस्ट हूँ, और दिल्ली में हूँ, और मेरी एक्सपीरियंस करीबन 30 साल से भी ज़्यादा है, ठीक है, इन द अच्छा फील्ड ऑफ स्लीप मेडिसिन. तो पहली ओके सेकंड बात ये है कि हमने क्यों सोचा भी, हम क्यों करें, किस वजह से करें. तो इन सब सालों में मैंने देखा, सब एज ग्रुप्स में देखा है, बच्चों से लेके टीनेजर्स, 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80 ईयर्स तक, हर एक एज में कुछ ना कुछ नींद की प्रॉब्लम रहती है. तो आई थॉट लेट्स हैव अ सिंपल डिस्कशन कि नींद क्या चीज़ है, नींद क्यों जरूरी है, और नींद क्यों जब नहीं आती तो लोगों में क्या इशू क्रिएट करती है. तो आप लोग ऐसा लिख सकते हो, अगर आपने कुछ लिखना है, जिनको चैट बॉक्स में लिखना आता है, अपना कुछ सवाल लिख सकते हो. पर पहले मैं बताना चाहूंगी कि कॉमन नींद की प्रॉब्लम्स हैं क्या. सो एक तो सबसे एक सिंपल, सबसे सिंपल समथिंग इज एकोइंग, मैं समथिंग इज एक्वल। वन सेकेंड. सो होपफुली दिस विल बी बेटर नाउ. सो सबसे कॉमन प्रॉब्लम, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है कि नींद ठीक ना होना. सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि नींद या तो आती नहीं है, या आती है तो बहुत टूटती है, या फिर सुबह बहुत जल्दी खुल जाती है. और इसके साथ दिन में क्या होता है? दिन में सिर दर्द, बदन दर्द, मूड ठीक नहीं होना, चिड़चिड़ाहट, कुछ अच्छा नहीं लगना, सारा टाइम इच्छा होनी कि मैं दोबारा लेट जाऊं. तो ये इस चीज को कहते हैं इंसोम्निया. एक दूसरी चीज भी है इसकी बिल्कुल उल्टी, उसका ये है कि नींद बहुत ज्यादा आना. तो रात की नींद पूरी होने के बावजूद सारा टाइम दिन में सुस्ती रहना, नींद आ जाना, अगर आप बैठे हैं, चाहे काम कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, और सिवियर केसेस में तो अगर बातचीत कर रहे हैं तब भी नींद आ रही है. तो इसको बोलते हैं हाइपरसोम्निया, मतलब कि जो नींद है वो बहुत बढ़ गई है. थर्ड वेरी कॉमन कंडीशन इज स्नोरिंग, जो कि हम खराटे बोलते हैं. तो ये खराटे इंसान कह सकते हैं कि सब लोग के, अरे ये तो बहुत लोगों को आते हैं, ये क्या बीमारी है? तो स्नोरिंग एक ऐसी कंडीशन है या सिचुएशन है जब हमारा ब्रीदिंग का पैसेज ओपन नहीं है. तो इसमें नोज में प्रॉब्लम हो सकती है, थ्रोट में प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों को भी हो सकता है, अडल्ट्स को भी हो सकता है. एक स्टेप है स्नोरिंग, उसका नेक्स्ट स्टेप है दिन में रात में सांस रुक जाना, और इसके साथ ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होगा, रात की नींद को तोड़ देगा, और ये नींद दिन में शिफ्ट हो जाएगी. तो आमतौर जो विमेन है उनमें ज्यादा सिम्टम ये रहता है कि मेरी रात की नींद ठीक नहीं है और सारी नींद दिन में शिफ्ट हो गई. फिर है एक कंडीशन जिसका नाम है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम. इसमें क्या होता है कि इसमें होता है कि रात को जब हम बेड पे जाते हैं तो पैरों में बेचैनी, दर्द, सरसराहट, लगता है कि कोई मेरा पैर मल दे, तो ये सब चीजें स्टार्ट हो जाती हैं. तो दैट इज कॉल्ड एज रेस्टलेस लेग सिंड्रोम. तो ये कॉमन कंडीशंस हैं नींद रिलेटेड. अगर हमको इस नींद को सुधारना है या बेटर करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम कारण ढूंढें. तो जब तक कारण नहीं पता चलेगा तब तक हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे. तो जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, अगर सपोज अभी जैसे मैंने आज कोई 23-24 साल का एक लड़की देखी, वो कहती है कि मैं रोज कुछ सोने की कोशिश कर रही हूँ पर नींद नहीं आ रही. तो इसके लिए उन्होंने नींद की गोली स्टार्ट कर ली. तो हमको ये पूछना पड़ता है कि आपकी जो टाइमिंग है सोने का, क्या वो फिक्स्ड है?
या उसको बहुत वेरिएबल करते हैं, मतलब कभी आप 12 बजे बेड में जाते हो, कभी 3 बजे, कभी सुबह 5 बजे, और उठने का टाइम भी वेरी कर रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर रात में नींद में पक्का परेशानी आएगी। तो इसका इलाज टैबलेट नहीं है, पर अपनी रूटीन को फिक्स करना है। ऐसे ही किसी और का देखा तो, अगर मैंने एक और लेडी बताती हूँ, 50-55, बहुत सारी ट्रेजेडीज हुई लाइफ में, और उसके बाद मन बहुत उदास रहने लग पड़ा, अकेलापन बहुत महसूस करती हैं, और इसके साथ रात की नींद उड़ गई है। तो उन कंडीशन में उनको डिप्रेशन है, और डिप्रेशन के साथ स्लीप चली गई है। ऐसे ही कोविड में हुआ था कि बहुत सारे लोगों को बहुत बेचैनी, धड़कन तेज हो जाना, रात को बहुत घबराहट होना, तो वो एंग्जाइटी था, और एंग्जाइटी के साथ स्लीप चली गई। जो स्नोरिंग है वो क्या करती है, रात की नींद को तोड़ देता है, और खर्राटे, और सिम्टम यही रहता है कि मेरे को नींद ठीक नहीं आ रही। तो ये सब चीजें हैं। अब मैं एक सिंपल सी एक और बात बताना चाहती हूँ कि नींद इतनी अहमियत है क्यों, क्या चीज है जो हमारे बॉडी में होती है या ब्रेन में होती है। जिसको भी नींद ठीक नहीं है, उनको तो सब पता है कि मेरा दिन कैसे बीतता है, एंड वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये मेन रीज इशू कंसर्निंग है कि स्लीप की क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमने अब रिसर्च के द्वारा देखा गया है कि हमारे ब्रेन, इनफैक्ट एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ब्रेन है, पैनक्रियाज है, लिवर है, हार्ट है, मसल्स हैं, इम्यूनिटी है, सबके लिए नींद बहुत जरूरी है। एक ब्रेन का सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ कि क्लीन अप होता है, मतलब कि सफाई, जब हम सोते हैं, तो अगर हम ठीक तरह से नींद नहीं आएगी तो सफाई नहीं होगी, गंदगी होगी, और ये अब सोचा गया है कि मेमोरी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हार्ट के लिए है कि हार्ट की रिदम हैज टू स्लो डाउन, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर हैज टू स्लो डाउन, और अगर वो नींद खराब रहेगी तो ब्लड प्रेशर टेंड्स टू गो हाई। हॉर्मोन्स बहुत जरूरी हैं हमारे लिए, तो अगर हमारी रात की नींद ठीक होती है तो हमारे हॉर्मोन्स, चाहे वो ग्रोथ हॉर्मोन है जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, और हमारी बॉडी की रिपेयर के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इन सब चीजों के लिए स्लीप बहुत अहमियत रखती है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है इमोशनल कंट्रोल, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, परेशानी, ये सब चीज भी रात की नींद के साथ बहुत कंट्रोल हो जाते हैं। तो अगर वो नींद ठीक नहीं होगी तो दिन में बहुत ये सब महसूस होगा। इम्यूनिटी, हमारी बॉडी की कैपेसिटी या शक्ति इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, ये भी नींद में इम्प्रूव होती है। ब्लड शुगर कंट्रोल, वो भी नींद में इम्प्रूव होता है। तो अगर नींद ठीक नहीं है, चाहे किसी भी रीजन से ठीक नहीं है, तो ये सारी चीजें जो हमने फायदे बताए वो गड़बड़ हो जाएगा। तो मतलब मेमोरी में प्रॉब्लम हो सकती है, मूड में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर कैन गो अप, शुगर कैन गो अप, वजन बढ़ सकता है, जो वेट की बहुत मेजर प्रॉब्लम हो रखी है। कई लोग कहते हैं कि हमने बहुत कोशिश करी बट वेट कम ही नहीं हो पा रहा। तो देखिए कि आपकी नींद तो ठीक है कि नहीं। डिजायर रात को बहुत उठ के खाना, डिजायर टू ईट बहुत मीठी चीजें रात को, ये सब खराब नींद की वजह से हो सकती हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बता रही थी कि हमारी नींद क्यों जरूरी है बॉडी के हर एक फंक्शन के लिए, और अगर नींद नहीं ठीक होती तो उसका बॉडी में फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है। और कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो है नींद ना आना, ताकि इंसोम्निया, नींद बहुत आना, हाइपरसोम्निया, बहुत लेट सोना, उसको हम एक बॉडी क्लॉक अबनॉर्मैलिटीज बोलते हैं, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, तो ये सारे हैं। तो एक और सवाल आता है, तो मुझे कैसे पता चले कि मैं ठीक सो रहा हूं कि नहीं। सिंपल आंसर, इसमें हमें कोई ट्रैकर्स नहीं चाहिए, कुछ भी और मेजरमेंट नहीं चाहिए। ये है कि आप कैसा महसूस करते हैं जब आप सुबह उठते हो। आर यू फ्रेश, के आर यू टायर्ड, के लगता है कि मैं अभी उठना नहीं है, मैं फिर सो जाऊं, ये सारी चीजें बताती हैं कि आपकी रात की नींद ठीक नहीं हुई। तो इसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए। अब हम कुछ सिंपल नुस्खे बताते हैं कि इसके करना क्या है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा
जो हम दिन में करते हैं उससे हमारा रात पे असर पड़ता है। फिक्स्ड टाइम पे आपको सोना है और एक फिक्स्ड टाइम पे उठना है, ताकि हम अपनी बॉडी क्लॉक, जो ब्रेन में एक सेल्स है जहां से वो इंफॉर्मेशन देता है पूरी क्लॉक्स को, वो एक सिंक्रोनाइज हो जाए। उठने के बाद एक नेचुरल लाइट बहुत जरूरी है, जिससे आपका जो स्विच है नींद वाला वो शट ऑफ हो जाएगा। और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अब देखा गया है कि उससे रात की नींद की क्वालिटी बहुत बेटर हो जाती है। दिन में एक अपनी रूटीन रखनी चाहिए, ठीक टाइम पे खाना, सोना, एक्सरसाइज। दिन में बहुत बार बार फ्रीक्वेंटली बिस्तर में जाना, सोना, वो छोटी छोटी अगर नैप्स ले ली तो रात की नींद खराब हो जाएगी। बहुत थकावट है तो 15-20 मिनट की नैप 2-2.5 बजे इंसान ले सकता है। शाम को फिर वही रूटीन, सम फिजिकल एक्टिविटी। रात को सोने से पहले क्या करना है, तो अपना जो भी टाइम है वो आप फिक्स रखिए। आप अपना आजकल सारी चीजें बंद नहीं करनी, और नींद का बहुत प्रेशर अपने ऊपर नहीं लगाना। अगर आपको टीवी देखना है देख सकते हैं, थोड़ा फोन देखना है देख सकते हैं, पर एक फिक्स टाइम पे बंद कर दीजिए। उसके साथ कोई रिलैक्सिंग एक्टिविटी, कोई किताब पढ़ सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, और फिर रेगुलरिटी। तो ये सब करने से आमतौर पे नींद बेटर हो जाती है। व्हाट अबाउट खाना पीना? कुछ लोग बहुत पूछते हैं, तो डिनर और नींद के बीच में कम से कम 1.5-2 घंटे का गैप होना चाहिए। अल्कोहल स्लीप को पक्का डिस्टर्ब करती है, तो अल्कोहल को ध्यान रखना चाहिए। स्मोकिंग भी डिस्टर्ब करती है, कुछ दवाइयां भी हैं जो स्लीप को डिस्टर्ब करती हैं। तो अगर आपकी नींद ठीक नहीं है, कहने का पर्पस है, तो प्लीज उसका कारण ढूंढिए, पर अपने आप या अपने आसपास लोगों को टैबलेट्स या पिल्स को रेकमेंड नहीं करिए। पर अगर आप सब कुछ करने के बाद भी लगता है कि मैं फिर भी मेरी नींद ठीक नहीं है और मेरा दिन खराब होता चला जा रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज टेक हेल्प। तो कब मदद लेनी है और कैसे करना है, दैट इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। कि कुछ समय तक इंसान अपने आप जरूर कोशिश करे कि मैं अपनी रेगुलरिटी ठीक रखूं, अपनी एक्सरसाइज रूटीन ठीक रखूं, खाने पीने का ध्यान रखूं, कॉफी वगैरह मैं 12 बजे के पहले खत्म कर दूं, बहुत ज्यादा कॉफी, कोलास, कोल्ड ड्रिंक्स रात को नहीं लेनी। और अगर सब कुछ करने के बाद भी लगता है कि मैं सब कर रहा हूं नहीं ठीक हो रहा, तो जरूर डेफिनेटली हेल्प लेनी चाहिए या मदद लेनी चाहिए। कुछ कुछ लोगों को अगर कुछ सवाल हैं तो आप यहाँ डाल सकते हैं, फिर मैं आपको एक कुछ बताने वाली हूँ जो एक सरप्राइज ऑफर होगा। किसी ने कुछ बताना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो फिर ना बहुत सारे लोग इकट्ठे बोलते हैं तो कभी क्लैश हो जाता है। कोई सवाल है किसी का? मैम फाल्गुनी है, जैसे हाँ जी मैं 3-4 साल से स्लीपिंग पिल्स ले रही हूँ। अपना एटीविन लेती थी, अभी वो बंद करके, एटीविन बंद हो गया, 2-4 mg है, तो उसकी जगह पे लिवोकॉर्ट करके का है, वो 4 mg लेती हूँ। एसीग्रेस एंड क्यूटी पेन, ये 3 मेडिसिन मैं रात को लेती हूँ, उसके बाद ही मुझे नींद आता है। तो उसके लिए मेडिसिन अभी 5 साल हो गए, अभी स्टॉप कर, अभी हैबिट हो गया, उसके बिना नींद ही नहीं आती है करके। और बैक ऑफ द माइंड ऐसे लगता है कि मेडिसिन नहीं लिया ऐसे नींद नहीं आ रहा, मेडिसिन नहीं लिया ऐसे नींद नहीं आ रहा करके। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो मैं वही बता रही हूँ आपको कि तभी मैंने बोला कि शुरू से कि जो नींद ना आना एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तभी मैंने बहुत साइनोप्सिस में बताया कि हमें उसका कारण ढूंढना है, कि कोई पर्सनल पर्सनल बरोबर स्ट्रेसर से आया, कोई मेडिकल कंडीशन से आया, कोई आसपास, कोई अपनी हेल्थ रिलेटेड इशू, कोई इमोशनल इशू। तो उसको हमको डिटेल में जाके और आपकी पूरी दिनचर्या रात दिन को सेट करके तभी हम कर पाएंगे भी क्या करना है, ठीक है ना। मेरे तो को इमोशनल की वजह से आया, क्योंकि मेरा सेकेंड किड हाँ, तो एक्सपायर हो आई गया था। अग्रीड। सो मैं तभी आपको ये सजेस्ट करूंगी, तभी मैंने बोला कि
मेरे तो वैसे भी दी ओपीडी चार्जेस आर 5,000, बिकॉज मेरे को बहुत समय लगता है और बहुत सारे लोगों को मैंने समझा हेल्प किया है, तो इसलिए मैंने ओके इस पे ऑफर रखा था 2,005। बट ये जो वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, और अभी सिर्फ मैं 2 घंटे के लिए, तो मतलब ये खत्म होगा 6:30, तो 8:30 बजे तक ये ऑफर है, स्पेशली फॉर ओनली दोज फर्स्ट 10 पेशेंट्स, दैट इफ दे बुक एन अपॉइंटमेंट यू हैव टू पे अप फर्स्ट। हमारे पास कंफर्मेशन आ जाएगी कि आपने पे कर दिया है, तो आपको कल का लिए या परसों के लिए हम एक स्लॉट देंगे जिससे आप ऑनलाइन भी बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पेशेंट्स पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, तो हम उनसे बात करके देन वी कैन गो डीपर इन टू योर प्रॉब्लम, भी कैसे दवाई हटाई जाए, कैसे रिप्लेस किया जाए, तब कर पाएंगे। तो एक एक करके यहाँ पे तो मेरा पर्पस ये था कि मैं स्लीप के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करूँ ये आइडिया कि मेडिसिन्स हमेशा के लिए नहीं चलेंगी, मेडिसिन्स थोड़े टाइम के बाद असर कम हो जाएगा, डोजेस बढ़ जाएंगी, मेमोरी को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, तो हमको मेडिसिन अगर लेनी है तो क्या डोज लेनी है, कब तक लेनी है, वो 1-to-1 कॉन्वर्सेशंस में ही हो पाएगा। एनीबडी एल्स हैज एनी अदर क्वेश्चन? अगर किसी ने कुछ हेलो और मैम, बात कैन यू हियर बताइए। मी? मैम अगेन, लाइक दिस इज करिश्मा. सेम थिंग, सिंस काफी सालों से मुझे भी यही प्रॉब्लम हो रही है कि लाइक स्लीपलेस नाइट हो रही है. लाइक सोने जा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि मुझे नींद आ रही है, बट जब भी सोने जाती हूँ इट इज लाइक मैं सिर्फ करवटें ही बदलती रहती हूँ. कुछ टाइम तक मैंने, काफी टाइम तक वो पिल्स लिया था, रेस्टिल भी लिया था कुछ, बट ना भी वो मेडिसिन भी काम नहीं कर रही है. हाँ, क्या एज क्या है आपकी करिश्मा? 54. 54। यस. या सो करिश्मा, दिस इज व्हाट आई एम कंसर्न्ड अबाउट, कि अब हमारे पास प्रूफ है कि स्लीपिंग पिल्स विल डल द ब्रेन, विल क्रिएट मेमोरी प्रॉब्लम्स, ठीक है, बट आई एग्री विद यू दैट वी ऑल्सो वॉन्ट स्लीप, तो हम क्या करें? तो दैट इज वाई आई एम सेइंग दैट वी आर ओपनिंग इट अप ओनली फॉर दीज 2 आवर्स। ईच वन आई हैव टू गो थ्रू योर होल डे होल नाइट, कब से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, कैसे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, रूटीन क्या है, एंड देन वी सजेस्ट इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मतलब थोड़ी थोड़ी सजेशन होता है क्या मेडिसिन लेनी है, एंड होपफुली एम इज कि हम हेल्प कर पाए, कि आपको मदद कर पाए कि आप कैसे कम से कम करें या छोड़ें, बिकॉज यही होगा, ये मेडिसिन की यही प्रॉब्लम है कि इनका एक्शन कम हो जाता है, जिसको हम टॉलरेंस बोलते हैं, और दूसरा डिपेंडेंस एब्सोल्युटली हो जाता है। डिपेंडेंस मतलब उसके बिना फिर यू सडनली स्टॉप इट, बहुत सिवियर नींद चली जाएगी, तो वी हैव टू फिगर एब्सोल्युटली. आउट हाउ टू डू, ठीक है, बट मैम, इज इट लाइक ये ऑनलाइन होने वाला है, लाइक ऑनलाइन यू नो कि ऑनलाइन वी कैन डू इट्स ऑनलाइन ऑनलाइन ओनली? ऑल्सो, एवरी सेम थिंग, द प्रोसीजर रिमेन्स द सेम, सी लाइक आई एम टॉकिंग टू यू, सो यू यू कैन डू अ जूम, यू कैन डू व्हाट्सएप वीडियो, एवरी डे आई टॉक, जितने मेरे ऑनलाइन है महीने में मेरे उतने ही ऑफलाइन इक्वल चलता है, बिकॉज दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, सो वील स्पेंड हाफ एन आवर डिस्कस एवरीथिंग एंड देन वी विल हैव रिपीटेड सेशंस, ठीक है ना? इट्स नॉट पॉसिबल टू मीट फेस टू फेस वेयर थिंग्स विल बी मच मोर यू बेटर. कैन कम फेस टू फेस, दोनों हैं, वॉट एवर इज कन्वीनियंट, इफ सी पीपल हु आर हियर कैन कम एंड मीट मी, पीपल हु आर वेरी फार कैन डू ऑनलाइन, जो कन्वीनियंट है वेयर आर वो। यू प्लेस्ड मैम? दिल्ली हॉस्टल, अच्छा, दिल्ली. आई स्टे इन मुंबई. That's what I'm saying. So, Mumbai वाली, I have done lots of calls with Mumbai on online. ओके. आई वुड लाइक टू गो अहेड हाँ, मैम. आई वुड लाइक टू कंसल्ट विथ यू बिकॉज बहुत ही, लाइक यू नो, आई एम अ वेरी एक्टिव पर्सन. मतलब यू विल अंडरस्टैंड एज यू विल कन्वर्स विद मी, माय एक्सरसाइज, डेली रूटीन, लाइक यू नो, बट द ठीक है, स्लीप इज श्योर लाइक श्योर, यू नो सो मैं दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, किलिंग मी. सो यू टेक द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज नॉर्मली आई एम टेलिंग यू माय चार्जेस आर 5, बिकॉज देयर आर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्राई एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई हैव सीन सो मेनी पीपल, आई फील कि जितने मेरे पास आ रहे हैं स्लीपिंग पिल्स वाले उतने ही घूम रहे हैं, जिनको पता नहीं लग रहा मैं क्या करूं, दैट्स व्हाई आई सेड कि फॉर दिस 1 वीक एंड दिस बट दिस स्पेशली फॉर टुडे एंड टुमारो इट विल अगेन बी 2-5, बट दैट 2-5 विल बी टिल वेडनेसडे, ठीक ओके, है, व्हाट इज लाइक व्हाट वी हैव टू जीपे, लाइक बेसिकली हाउ मच इट इज फॉर द कंसल्टेशन नाउ? 1,500, 1,500. ओके,
दिस कंसल्टेशन, लाइक कैन यू जस्ट सेंड आफ्टर द सेशन गेट्स ओवर, कैन यू जस्ट सेंड दैट जी पे ओके टू द ग्रुप. ओके आई विल सेंड द जी, ठीक है, श्योर, या देन वी कैन स्टार्ट, लाइक यू नो, देन आई विल जस्ट पे इट एंड देन टेक योर अपॉइंटमेंट. ओके श्योर. एनीबडी एल्स हैज एनीथिंग टू आस्क, देन वी, मैम, दिस इज अ वन टाइम फीस और हाउ इट इज? इट्स वन टाइम फीस. मीन्स वन टाइम हाफ एन आवर यू विल टॉक टू अस, Yes, I will talk. देन नेक्स्ट टाइम इफ अगेन वी आर डूइंग कंसल्टेंस, मीन्स एक महीने का आप सपोज कोई मेडिसिन देते हो और बोलते हो एक महीने के बाद करना है वापस कंसल्टेशन, तो फिर तभी कितना पैसा होगा? हाँ, सो देखो, सी अदरवाइज मेरा नॉर्मली तो जो चल रहा है, जो रिपीट वाला है, दैट इज 3,000, ठीक है. बट ओके. व्हाट आई विद दिस ग्रुप, बिकॉज आप लोगों ने भी मदद किया है, थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है. So we will say that we will again give for 1,800 only, but that I will do for only maybe 2 or 3, then we will change it. ठीक है? I'll write it down and I will tell my staff. हाँ. ओके, सो Means स्पेसिफिकली फॉर वो वांटेड नेक्स्ट दिस टाइम, 1500. सॉरी, सेकेंड मंथ दिस टाइम इट इज फॉर 1500 फॉर द कंसल्टेशन फॉर अ मंथ, एंड नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर वी वांट यू विल लेट अस नो हाउ मच इट इज, राइट? Yes, we will let you know and I will also tell you कि how many more will be at a discounted rate. श्योर मैम, श्योर मैम, ठीक प्लीज है, श्योर. when we finish individually that time, then we can discuss. ठीक है, Sure, ma'am. You can send us, ma'am. That's key. Then I will just do the payment, and you will give us a time, or how is it that we have yes. to give a So time? once we get the payment, we have your number also. Somebody will call you back from my clinic tomorrow and give you a slot for a call. Sure, ma'am. Done. I'll do तो that, आप ma'am. करिश्मा है ना, करिश्मा, ठीक, Yeah, करिश्मा. Yes, करिश्मा मयेकर. ओके, श्योर, ठीक. Yes. Thank you, ma'am. Waiting for your QR code to come. Sure, I'll send it to you. हाँ. Thank you. Nice speaking with you, ma'am. Okay, sure. All the best. I do hope that we'll be able to help you. But you can check our YouTube Absolutely. I'm channel, just like check the website also. A lot of people who have been helped, they've always been writing about. ठीक है? absolutely. Okay, Absolutely, ma'am. sure. Thanks. All the Thank best. you, ma'am. ठीक है, take care. Okay, if anybody has any other question, otherwise we will end now and I will just put up the payment link in that. And like I said, it will be for 2 hours and for first 10 people. Okay, thank you for all those who attended, and